subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है कई लोगों के पास, और ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा करा होता। खैर, उस एज में पछतावा करने के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियाँ होगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिनको अगर आप इस एज में सीख लें, समझ लें, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सो दी नंबर 1 पॉइंट इज फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्ते को। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल्स सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी अपनी नई नई सलाहें देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही का होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है, तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहां पर भीड़ चल रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, फालतू चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। टीनेज जो होती है उसमें हमारा जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है ये सब सोचकर। कई बार हम इसी फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं होती है, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसे दिल पर लगा लिया, बार बार ये सोचना कि वो क्या कहेंगे। इन चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज को आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को पूरा देखें। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज्यादातर पेरेंट्स एफडी और गोल्ड में ही निवेश करते आए, और वहीं यंगेस्टर इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड के तरीके अपनाते आए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट में अलग अलग टाइप्स के चार्जेस लगते हैं। अगर कोई इंसान पहली बार इन्वेस्ट करने जाता है और इतने सारे चार्जेस को देखता है तो वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को होल्ड पर रख देता है। 5% आया है स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफर आपके लिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें बिना किसी चार्ज के, और ना ही आपको अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज देना है, और ना ही किसी भी तरह की ब्रोकरेज देनी है, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग। देखो, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, आपके पेरेंट्स और सेकंड नंबर पर है मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इसी एज में सीख ले तो आपको आगे चलकर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके 5paisa स्कूल ऐप को डाउनलोड करें और फिर 5paisa के साथ अपना पहला फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर फ्री। डीमैट अकाउंट खोलते वक्त प्रोमो कोड यंगवेस्टर यूज करना ना भूलें। और अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, टेक अ रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं और जहां पर हैं जो वो कर रहे हैं उसी को कर कर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में कोट से, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उन चारों पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। फॉलो योर ओन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनल पॉइंट, टेक अ रिस्क। रिस्क लो और आगे बढ़ो। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।